बहुत सुंदर लग रही हो मीराबेल, डाइविंग के लिए एकदम सही। अब पानी में जाओ, तुम पानी की दुनिया की क्वीन बन जाओगी। वेव्स के साथ लहराती हुई प्यारी डॉल, ओह कितना अच्छा होता अगर मर्मेड मुझे अडॉप्ट करती। चलो अमांडा के साथ दिन में सपने देखें, फिर से जेलीफिश बनने के सपने। इन लेग्स में अजीब सी फीलिंग। हे भगवान टलफिश, चलो देखते हैं सबसे सुंदर कौन है। बिल्कुल तुम हो अमांडा मर्मेड। टेल के साथ मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। कोई घर में चैन से सो भी नहीं सकता। डॉटर बेहतर होगा कि अपने फिन्स को संभाल कर रखो, क्रैब्स हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। तो नीचे की क्या खबर है एक्वा बुक? हे मॉम, गुड मॉर्निंग, स्कूल जाने का समय हो गया है। गोल्डन स्केल्स वाला एक बैग, इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया मॉमी। ओह मेरी दोस्त मीराबेल, हम एक जैसे ही हैं, इसके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। शेल मिरर को मत भूलना मेकअप करने के लिए। तुम्हारा दिन अच्छा हो मेरी प्यारी बेटी। मैं उनको केमिस्ट्री टीचर मिस्टर स्क्विड से मिलवाना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। ब्रर, थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा पेरेंट्स बच्चे के लिए आए हैं। मैं बात करता हूँ हनी, हमें एक बच्चा अडॉप्ट करना है। हाँ हाँ यहाँ एक बच्चा है, होशियार अमांडा एक अच्छी चॉइस है। कितनी प्यारी है, मेरा दिल पिघल गया, काश मैं इस फैमिली के साथ रहती। फैसला हो गया, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, पहले उसे जाना बेहतर रहेगा। उसकी कितनी अजीब हॉबी है, भगवान के लिए चलो जल्दी से सब खत्म करते हैं। अब तुम मुझे मॉम कह सकती हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मिस्टर बेल हूँ, क्या आप मर्मेड्स हो? ओह चलो भी, हम आम एडल्ट्स हैं। तुम बात करो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी मत करना मिस्टर प्रिंसिपल, जरूर ये अच्छे लोग हैं। तुम्हारे टॉयज मुश्किल में लग रहे हैं, मैं मदद करता हूँ, रुको। ओह नहीं, ये तुमने क्या किया नील, हमारा कवर नीचे गिर गया है। वाह अब मजा आएगा, पर मैंने अच्छा सोचा था। मिस्टर जॉनसन वापस आओ, भेस बदलो मेरी लकी रॉड। तो क्या ये आखिरी फैसला है? ओप्स, बहुत जल्दी है, ये फिश की बदबू ऐसी है। एओ, मैं बाद में ठीक करता हूँ, क्या दोनों पार्टीज मान गई हैं? हाँ हम तैयार हैं। तो अगर अमांडा को परेशानी नहीं है तो साइन कर दो, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज बस आखिरी टच और हम घर जाएंगे बेबी। वोइला, ये लो मिस्टर जॉनसन, मुबारक हो। वो कप कहाँ है? स्टीफन द ट्राउट, मैं अभी लाया। चलो चलें, अच्छी जिंदगी हो दुखी करने वाली फिश। मेरा ऑर्डर सबसे बड़े कीड़े के लिए, रुको वो कहाँ गए? ये सबसे दिलचस्प कहानी है, यूएफओ ने किडनैप कर लिया पर स्टीफन दुखी होगा। हेलो, फोटो में जो टूना है बॉबी की कजन है। हम पकड़े गए। जॉनसन क्या तुम अंदर ठीक हो? बस हम हाथ धोना चाहते हैं। अब हम क्या करें? हर घर में एक सीक्रेट रास्ता होता है, टडा। पर सबसे जरूरी पहले फ्लश करें, फिर बाद में कूदें। पहली बार सोचो मैं टॉयलेट से भाग रहा हूँ और वहाँ, ये तुम्हारी कहानियों का समय नहीं है। ठीक है ये फिश हाउस पकड़ो, डॉटर डैडी सबसे पहले जाएंगे। वोश और दूसरा बाय, तीन फ्लशेस। मैं इन्हें बताता हूँ पानी को कैसे बचाते हैं, ये कौन सी ट्रिक्स है, चमकते हुए स्केल्स, जबकि मैंने कभी फिश नहीं पकड़ी। कितनी गंदी बदबू है, शुक्र है उन्होंने पेपर्स पर साइन तो कर दिए। मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिश एक्वेरियम कहाँ है? पास की चट्टान पे हाउस वार्मिंग पार्टी में गई है। हाँ वो गई, मैं देखती हूँ। मेरे लंग सिकुड़ गए हैं, आंखों में अंधेरा आ रहा है, मुझे हवा चाहिए। फ्यू मैं बच गई, पर हमारे पास एलेक्सियर है। एक सेकेंड, आबरा का डाबरा, ये उसकी पानी के अंदर सांस लेने में मदद करेगा, इसे पी लो स्टारफिश। वाह इस समुद्र में कितने सारे मैजिक है, पर मैं इसे बाउल में कैसे पियो? आराम से, ये लो स्ट्रॉ, जल्दी से मजे से पियो, ये एक मुसीबत है। चलो तुम्हारी कॉकटेल पीकर देखते हैं, पियो, बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं।
मुझे अजीब महसूस हो रहा है। वो, हे भगवान, उसने मेरी मदद करी। हमारी प्यारी मर्मेड फिर से दम घुट रहा है। पानी नुकसान नहीं करेगा। हम बहुत खुश हैं। क्या तुम्हें ये कमरा पसंद आया? ये सारा तुम्हारा है। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। शुक्रिया। एक और सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी ग्रैंड मदर का टियारा पहन कर देखो। ओह, बहुत सुंदर। और तुम्हारी पढ़ाई का पहला दिन है। पर्सनल शेल फोन, बहुत सुंदर। एक लेटेस्ट ओशन फैशन। अगर इसकी बैटरी खत्म हो गई तो इलेक्ट्रिक ईल्स के पास जाना। ये एक सपना है। कोई मुझे विश्वास दिलाओ। कोई परेशानी नहीं है। आउच, कितनी खूबसूरत जिंदगी है। डैड और मैं तुम्हें सिखाएंगे समुद्र की मिस्ट्रेस कैसे बनना है। बहुत अच्छे। ये जगह बहुत स्टाइलिश है, लेकिन मुझे अपना कॉलेज कैसे मिलेगा? ट्रूम टैनिक को पीछे छोड़कर। देखो, वहाँ बहुत ट्रैफिक है। और फिर तुम्हें नीचे ब्लू बिल्डिंग दिख जाएगी। देखो, मेरी ट्रांसपेरेंट बेली को प्लैंकटन का पोर्शन चाहिए। जल्द से जल्द। हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड लक। पानी के अंदर का माहौल खुश करने वाला है। बेबीज को सी हॉर्स कैफे के लिए जल्दी हो रही है। जाना होगा। बुरा मत मानना, अगला हुक तुम्हारा है। शाम तक डैडी। कैरिज आ गया, चलो चले। मैं पहुंच गई। तुम अब जा सकती हो। मरीन साइंस का जादू। मुझे नए शिकार की स्मेल आई। आहा, एक छोटी जल परी। चलो हेलो कहें। हे भगवान, तुम मेरी जगह में तैर आई। डेस्क को साफ करो प्रिंसेस। यहाँ से अभी बाहर जाओ। शार्क बहुत मतलबी होती है। अपने फिन से ताली बजाओ। मैं यहाँ सबसे बढ़िया मछली हूँ। एक बॉस होने के नाते मुझे तुम्हारा ताज चाहिए। इसे लेकर दिखाओ लड़की। तुम इसे नहीं ले सकती। रेड हेड, तुम्हारे परिवार का खजाना। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना क्या तुम रोने लगोगी? ये क्या है? ज्वेलरी वापस करो, वरना मैं तुम्हारी सुशी बना दूंगी। शांत हो जाओ, मैं तो बस आराम से स्वागत कर रहा था। और मुझे चावल बिल्कुल नहीं पसंद है। हे भगवान, ये एक बुरा सपना है। कॉलेज क्वीन अपना ख्याल रख सकती है। प्रिंसिपल को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। मैं बोलने जा रहा हूँ। इस लड़ाई और सुशी की बातों से मुझे भूख लग गई। चलो देखती हूँ मेरे लंच बॉक्स में क्या है। मुझे पढ़ने के लिए सेहतमंद डिनर चाहिए। फोर्क यहाँ है, चलो अंदर देखें। बस सीवीड। अच्छा है कि मुझे लैमिनोरा पसंद है। ये हेल्दी खाना है। उसे कल ही ले गए हैं और अभी से गड़बड़ शुरू। हेलो, अफवाह है कि तुम्हारी बेटी कॉलेज में मुसीबत में है, और वो भी फिश की वजह से। ठीक है, हम तैर रहे हैं। ओह, मेरा मतलब आ रही हूँ। बाय, इंतजार कर रहे हैं। रेस्ट रूम से कुछ आवाज आ रही है। हम यहाँ हैं, मेरे छोटे ऑयस्टर। ईयू, दोबारा फ्लश पर हमला। हम कौन है? ओप्स, बाद में सूख जाएंगे। हम मिनटों में अपने हाथ धो लेंगे और बाहर निकलेंगे। स्प्लैश लवर्स, खैर तुम जानती हो मुझे कहाँ ढूंढना है। ध्यान से डैड, ये मेरे सबसे महंगे जूते हैं। सफाई सबसे ऊपर। हमें टॉयलेट के बजाय टैक्सी लेनी होगी, लेकिन वहाँ पर सैनिटाइजर भी है। आ रहा हूँ। हमसे मिलना चाहती थी। मेरी याद आई। मैं पूछ सकता हूँ, छोटी अमांडा को अडॉप्ट करने के बाद आप कैसे हैं? क्या तुम अपनी नई फैमिली को पसंद करती हो? हाँ, मैं इनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। ये दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। मामेट का पूरा परिवार होना बहुत ही शानदार होगा। हे एलिस, शायद हम एक ही बात सोच रहे हैं। मिस्टर जॉनसन, हम एक और बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रोसीजर जल्दी होगा। यादगार के तौर पर एक फैमिली फोटो। स्माइल, क्या मुझसे एक बार गले मिलोगी? सीवीड, मैं इसे घड़ी के पास रखूंगी। और भी सुंदर मोमेंट के सपने की उम्मीद है। मेरे बाल सीवीड की तरह हरे हैं। मेरी स्किन नीली और पीली है। हनी, अंदर आओ। कैवियर बैंक में आपका स्वागत है। मैं और मेरे हस्बैंड पेरेंट्स बनना चाहते हैं। ओह, आप कितने प्यारे कपल हो। आप सही जगह पर आए हैं। एक नज़र कैटलॉग पर डालिए। ये सभी बच्चे कितने प्यारे हैं।
वो लड़का बहुत प्यारा है। डार्लिंग चलो उसे अडॉप्ट करते हैं, हमने फैसला कर लिया है। ठीक है, मैं मेन पोल को कॉल करती हूँ और बात को आगे बढ़ाती हूँ। हेलो, ऐसा नहीं हो सकता। माफ कीजिए, हमारे पास कैवियर खत्म हो गए हैं। तो क्या मैं मॉम नहीं बनूंगी? ओह, शायद वहाँ ऊपर कोई आपकी मदद कर सके। आप सही हैं, हमें पोसाइडन से आशीर्वाद मांगना होगा। नहीं, मैं आपको जमीन पर जाने का सुझाव दे रही हूँ। हनी, ठीक है, मैं उसे परेशान नहीं करूँगी, मैं खुद कर सकती हूँ। शायद जो चीज हमें चाहिए वो धरती पर मिल जाए। ओह, ये इतना भी बुरा नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? हमें भेस बदलना होगा। नहीं, शार्क से छिपने वाला नहीं, हमें इंसानों की तरह दिखना होगा। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं ये संभाल लूंगी। अब हम उनमें से एक लग रहे हैं। चलो चले। ओह, मुझे नहीं पता चलते कैसे हैं। हनी, मेरा पंजा पकड़ो, मैं मदद करता हूँ। मर्मिड और क्रैब को इंसानों की तरह रहने में मुश्किल हो सकती है। उसके कपड़े देखो, क्या तुमने इन्हें किसी भिखारी से लिया था? ये लो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ध्यान से हनी, अपने पूछ के बिना मैं काफी स्लो हो गई हूँ। इथन, उस प्यारी लड़की को देखो, वो एक असली परी है। चलो चारों ओर देखते हैं। हनी, नहीं, ये बेचारी लड़की रो रही है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। आओ हमारे साथ समुद्र में रहो। ठीक, समुद्र के नीचे तुम्हें वो सभी अनोखी चीजें दिखेंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, चलो चले। हम यहाँ क्यों आए हैं? आप भी मुझे परेशान करोगे? नहीं बेबी, अंडर वाटर वर्ल्ड में हर कोई अच्छा है। चलो अंदर जाओ, अपनी परेशानियों को दूर करने का वक्त आ गया है। आह, ठीक है, अब मेरी बारी है। ठीक है डियर, मैं जा रहा हूँ। चलो समुद्र में वापस चलते हैं। मेरे लिए रुको, मेरी फैमिली। ये तुम्हारा नया घर है, मेरी नन्ही मोमी। तुम्हारे गाल सबसे प्यारे हैं। ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स भूल गए हैं कि उनका बच्चा जमीन पर बड़ा हुआ है और पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। ये लो, थोड़ा पानी पियो। क्या तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है? वो सांस नहीं ले पा रही। इस मैजिक फॉर बिगिनर्स किताब में कोई जादू जरूर होना चाहिए। ओह, शायद ये काम कर जाए। नहीं, ये मंत्र मेकओवर के लिए है। ओह, पायलट जैसी लुक भी तुम पर अच्छी नहीं लग रही। चलो फिर से कोशिश करते हैं। बस इतना ही नहीं है, इस मंत्र की किताब में बेवकूफों के लिए जानकारी सही से नहीं दे रखी। मुझे एक ऐसा जादू ढूंढना है जिससे गिल सूख सके। हवा से भरा ये बुलबुला काम कर जाना चाहिए। इसे पहनो। मुझे मिल गया गिली ग्रॉस। हाँ, मैं फिर से सांस ले पा रही हूँ। हम पहुँच गए हनी। हेलो टॉर्टिया। हाय, हमें डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप लगवानी है, क्या तुम ये कर सकती हो? हे, हेलो, हमें डॉक्यूमेंट्स की जांच करवानी है। ठीक है, एक मिनट रुको हनी। टॉर्टिया, क्या तुम चुटकुला सुनना चाहोगी? क्या तुम्हें पता है कि निंजा इतना स्लो क्यों है? क्योंकि वो एक कछुआ है, समझी? क्या तुम एक मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते? लेकिन ये एक मजेदार चुटकुला है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो, उसने इसे लगभग दबा ही दिया। थोड़ा सा और, चलो भी दबाओ प्लीज। हाँ, हमने कर दिखाया, थैंक्स। अरे नहीं, सी हॉर्स माय फ्रेंड, लेट्स प्ले इन द सैंड। बाहर एक राक्षस है। हाय लड़कियों, मैं यहाँ नई हूँ, मेरा नाम रोज है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अंडर वाटर कॉलेज में नई लड़की रोज बहुत मशहूर है। हेलो लड़कियों, वो सुंदर क्रिएचर कौन है? यहाँ से निकल जाओ, हरे सर वाले तुम मेरे लायक नहीं हो। रोज को अंडर वाटर वर्ल्ड में इन सब की आदत डालनी होगी। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं, फॉर्म्स बांटो प्लीज। मुझे नहीं पता था कि अंडर वाटर वर्ल्ड में भी सब मैथ्स पढ़ते हैं। वो क्या कर रहा है? चलो देखते हैं हॉरिजन पर कोई है या नहीं। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे हाँ, ये रही मेरी चीट शीट। वाह, क्या समझदारी है। अंडर वाटर कॉलेज में भी स्टूडेंट्स टेस्ट में चीटिंग करते हैं, बस फर्क इतना है कि उनकी चीट शीट ज्यादा क्रिएटिव है। फॉर्मूला कहाँ है? ओह, अभी मैं पकड़ी जाती हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा। फोन उठाओ। मुझे कौन कॉल कर रहा है? अननोन नंबर। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर फिशरमैन, क्या आप मुझे मैथ्स की चीट शीट भेज सकते हैं प्लीज? बेशक। सी बेड तक एक्सप्रेस डिलीवरी।
मुझे बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह ये आ गई। वो क्या है? एक बड़ी चमकने वाली चीज। वाह शायद ये इंसानों की दुनिया की कोई ज्वेलरी हो। ऊपर जाना चाहती हो टीचर? बाय बाय। अब जैसे कि उनके टीचर जा चुके हैं, स्टूडेंट्स मैथ टेस्ट की चिंता करने के बजाय मजे कर सकते हैं। मैं कितने अच्छे से सोई। मेरी एक पूंछ है। सरप्राइज स्वीट हार्ट, क्या तुम्हें पसंद आई? डैड ने खासे से तुम्हारे लिए बनाया है। ये शोर कैसा है? मैंने रोज को एक पूंछ दी है। क्या फिर से तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है? हनी मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ बनाया है, एक नई ड्रेस। क्या तुम्हें लगता है तुम एक अच्छे स्टाइलिस्ट हो? खुद ही पहन लो। हनी मॉम तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मुझे अपने हाथ धो, अब तुम्हारे नाखून साफ है और मैं अपनी पूंछ साफ कर लेती हूँ। एक साथ ब्यूटी ट्रीटमेंट करना हमेशा मजेदार होता है। ओह कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें ये पसंद है? मैं थोड़ा मेकअप करती हूँ और फिर तुम्हारा चमकदार मोमेंट मेकअप कर दूंगी। मेरे निफ्टी क्लॉज ब्यूटी सैलून में आई है। ईथन प्लीज मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। क्या तुम्हें अपनी नई लुक पसंद आई डियर? जाओ अपने दोस्तों को दिखाओ। ऐसा लगता है समुद्र कभी खत्म नहीं होने वाला। ये कितना सुंदर है मॉम, ये एक शॉक है। डरपोक ये नकली है। ईथन यहाँ से चले जाओ प्रैंकस्टर। डैड कितने फनी है। हनी तुम्हारा हेल्दी नाश्ता तैयार है, सब कुछ ताज़ा है। मैं इन्हें अभी लेकर आई हूँ, लेकिन इंसानों को ताज़ा सी फूड पसंद नहीं होता। मैं नहीं खाऊंगी। सी केल के बारे में क्या ख्याल है? ये और भी बुरा है। शायद सेल्फिश ना, इसमें कैल्शियम है। नहीं मॉम मैं इस तरह का खाना नहीं खाती। फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। मुझे सुशी बहुत पसंद है। मुझे बचाओ, मुझे एक स्नैक की तरह खा लिया। आह वो सिर्फ एक सपना था। ये आवाजें कैसी है? उसे भी कोई बुरा सपना आ रहा होगा। डांस द बुलारू इन अ सोम्ब्रेरू, मेरे साथ गाना गाओ ताकि हर कोई समुद्र के नीचे इसे सुन सके। सब ठीक है, वो बस अपने सपने में बैंड बजा रहा है। हमारी लड़की कितनी प्यारी है, वो बिल्कुल मॉमी की तरह दिखती है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो क्राफ्ट के परिवार से है। काश ऐसा होता, वो एक असली मर्मेड है। तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि हम एक जैसे दिखते हैं? उसके बालों का रंग मेरे शेल के रंग जैसा है। ये बिल्कुल बकवास है, वो समुद्र में सबसे सुंदर मर्मेड होगी। मुझे लगता है कि वो पंजे के साथ और भी सुंदर दिखेगी। देखो वो डैडी की बेटी है। बिल्कुल नहीं, समुद्र के नीचे भी परिवार से लड़ाइयाँ हो सकती है। अपने पेरेंट्स को इस तरह देखना बहुत मुश्किल है। ये क्या है? मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि इसे कैसे ठीक करना है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती बेवकूफ क्राब। मॉम डैड आपको मेरी नई लुक पसंद आई? ये मुझ पर अच्छी लग रही है ना? इन पंजों को देखो और ये चमकदार पूंछ। चलो अब और बहस नहीं करते, हम आपको समुद्र की सबसे खूबसूरत लड़की बना सकते हैं। निफ्टी क्लॉस ब्यूटी सैलून में आए, हमारी सर्विस क्राब क्लास है। आज मैंने डिनर के लिए एक मेहमान को बुलाया है, तुम्हें वो पसंद आएगा। तो हम फिर से मिल रहे हैं, मेरी दूसरी दुनिया का प्यार। हेलो मॉम, आपने उस हरे सर वाले को क्यों बुलाया है? वो पोसाइडन का ग्रैंडसन है। मैं तुम्हारे लिए शेल्स का बुके लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। नहीं मॉम मैं उस बदसूरत फिश को डेट नहीं करना चाहती। मेरा दिल मत तोड़ो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं होने वाला। आखिरकार इंसान अंडर वाटर वर्ल्ड में नहीं रह सकते। ईथन मुझे लगता है उसे वापस भेजने का वक्त आ गया है। तुम हमारी बहुत अच्छी बेटी बनी, लेकिन अब तुम्हारा इंसानों की दुनिया में वापस जाने का वक्त आ गया है। हाँ हर चीज के लिए शुक्रिया, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अपने बच्चे को जाने देना कितना मुश्किल होता है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था जब हमने उसकी नोटबुक्स फेंकी थी? यहाँ सब कुछ वैसा ही है। हाय दोस्तों, ओह हमारी पढ़ाकू वापस आ गई। मैंने सुना है उसे एलियंस ने किडनैप कर लिया था। मुझे हमेशा से पता था कि वो बहुत अजीब है। चलो उसका स्वागत करते हैं, उसे दिखाते हैं कि हमने उसे कितना याद किया। पूरे बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या तुम तैरने के लिए तैयार हो पढ़ाकू? एक मिनट रुको प्लीज, बस एक मिनट। वो क्या कर रही है?
बेवकूफों के लिए इस जादू की किताब में खुद को बचाने का मंत्र जरूर होना चाहिए। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या तुम दया की भीख मांग रही हो? मैं अब अपने हाथों को और नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया रोज, ये हमारी बेटी है। आह, कितना बुरा सपना है। अब मुझे कछुए जैसी बदबू आएगी। वो खुद को बचाने वाला जादू कर सकती है। रोज ने अंडर वाटर वर्ल्ड में बहुत कुछ सीखा है। अब कोई उसे तंग नहीं कर सकता। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो फिर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों। आज मर्मेड सिस्टर्स ने धूप सेकने का सोचा है। मैं इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। बाहर की दुनिया खूबसूरत है ना सिस्टर्स? मुझे नहीं लगता इस गर्मी में कुछ भी सुंदर है। समुद्र की क्वीन को हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। यहाँ मेरे अलावा कुछ भी सुंदर नहीं होगा। सनसेट की गर्म रोशनी में मजे करना बढ़िया है। इस बकवास जगह से जाने का समय हो गया है। हाँ, ओह, कहाँ जा रही हो? मेरे लिए रुको। एमिली को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने आती है, उसके गरीब रूम में भी। आखिरकार घर आ गई। दिन इतना अच्छा था कि मैं थक गई हूँ। चलो लॉक्स को ठीक करते हैं। अब हम समय बर्बाद कैसे करें? यहाँ पर क्या है? खैर, मेरे पास एक आइडिया है। कितना बढ़िया कॉम्ब है, चलो इसे कॉम्ब करते हैं। खैर, फिशिंग अच्छी होगी, पर पहले मैं अपनी ताकत को और बढ़ा लेता हूँ। मैंने ऐसे सी क्रीचर नहीं देखे। और कितनी गंदगी फैलाओगे यहाँ? खैर, अब तो तुम गए। आराम से, तुम्हारी फिश आ रही है। लगता है मैंने पकड़ ली। वाओ, फिशिंग करना मेरे बस की बात नहीं है, पर हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। एक मिनट, लगभग हो गया। बढ़िया एंगल है और फिल्टर भी। कचरा फिर से? वाओ, ये गैजेट तो लैंड से आया है। मुझे इसे चलाकर देखना चाहिए। चलो देखते हैं, कितना बढ़िया है। कॉन्सर्ट होने वाला है, सोच लिया, मुझे भी जाना है। ओह, ये मेरे बाहर जाने की बारी है। चलो राइड करते हैं। वाह, पूरी फैमिली के लिए डिनर पक्का है। थोड़ा सा और। तुम नेट में क्यों फंसी हो? मैं तो फिश पकड़ना चाहता था। रुको, क्या ये फिश टेल है? लगता है मुझे कुछ हो रहा है। सारे लोग बुरे नहीं होते। ओह, मैं इस कॉन्सर्ट में कैसे जाऊँ? ठीक है, तो हवा कमाल की है। लगता है मैंने कर दिखाया कहाँ जाना है, पर मैं तो भूल ही गई। ये रही तुम्हारी डिवाइस दोस्त, बाय। मर्मेड कहाँ है? सनस्ट्रोक था और कुछ नहीं। आह, कोई स्क्विड नहीं। फियो, ट्राइडेंट कहाँ है? बेटियों, मेरे पास आओ जल्दी। हाय मॉम। ओह, मेरी प्यारी स्टारफिश, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाती? बताओ एमिली कहाँ है? खैर, आपको पता है मॉम, मैं इंतजार कर रही हूँ। मॉम, मैं उसे लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे एमिली को ढूंढना है, पर मैं बड़ी हूँ, इसका मतलब मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। ये लो स्वीटी, गिफ्ट रखो, एमिली के साथ वापस आना, ठीक है? पर ये ठीक नहीं है। उदास मत हो डियर, देखो मॉम के पास तुम्हारे लिए क्या है। आपको पता रहता है कि मुझे किससे खुशी मिलेगी। अब मैं सिस्टर्स के लिए आराम से इंतजार कर सकती हूँ। हे एमिली, छुपना बंद करो। खैर ठीक है, समय बर्बाद नहीं करते हैं। हे सनसेट लवर। ओह नहीं, ये बहुत बुरा है। आह, मेरा दिमाग ये सब नहीं सह सकता। पैसों का फायरवर्क्स। आउच। एमिली अपने रूम में नहीं है, लगता है वह दूसरी दुनिया में भाग गई है। हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। अब बस भी करो, उम्मीद है वो ज्यादा दूर ना जाए। आह, सी हॉर्सेस चोरी कर रहे हैं। थोड़ा और सो लेती हूँ। थोड़ा और, बस पहुँचे गए, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। खैर बहुत हुआ, अब मैं फिशिंग के लिए पूरा तैयार हूँ। और आसपास कोई मर्मेड्स नहीं है। तुमने यहाँ गरीब मर्मेड देखी है? उसे इंसानों की चीज पसंद है, वो उसके लिए पागल हो जाती है। ओह, ये पक्का काया से डर गया होगा। बढ़िया, शुक्रिया, हमें यहाँ जाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है, यहाँ बहुत सारी कमाल की चीजें हैं। हे भगवान, मैंने इसी का सपना देखा था। मुझे ये जूते चाहिए, लगता है मुझे प्यार हो गया है। खैर, मुझे कुछ करना होगा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये कहाँ से आया? ये रहा सॉल्यूशन, जूते जल्द ही मेरे होंगे।
ये फोटो सोशल मीडिया को हिला कर रख देगा। पैसे देने का समय है। ये रहे तुम्हारे $5। शुक्रिया। खैर खैर, लगता है कोई परेशानी में है। ये पहले मेरी जगह थी। सपना पूरा होने ही वाला है। मैं अब इस जादू को खरीद सकती हूँ। वो हो, मुझे पता भी नहीं है इसे शुरू कहाँ से करना है। हेलो, मुझे नया लुक चाहिए। खैर ठीक है। हाँ हाँ, चलो भी, मैंने पहले ऐसी चीज नहीं देखी। लगता है हमें जूतों से शुरू करना चाहिए। चलो इसे पहनते हैं। ऐसे इस नेट को हटाना सही रहेगा। ये तुमसे चिपका क्यों है? इसे ऐसे ही रहने दो, मुझे ऐसे ही पसंद है। और ऐसे कपड़ों के साथ मैं जोई से भी कूल लगूंगी। वैसे मेरा ब्रेसलेट देखो, मैंने खुद बनाया है। ये फैशनेबल नहीं है। ओह समझ गई, हाथ हटाओ। मैं इसे कैसे भी हटा लूंगी, उसे मर्मेड की जिंदगी के बारे में पता ही क्या है। गरीब मर्मेड एमिली ने अपनी अमीर बहनों की तरह अच्छा दिखने की ठान ली है। पर क्या ये जिद पूरी होगी? ओप्स, क्या तुम ठीक हो? ओह वाह, सारी चीजें बढ़िया और बेहतर हो रही है। एमिली की किस्मत चमक रही है और उसकी बहने अभी तक उसे ढूंढ रही है। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा सकती है? जैसा कि मेरे पास टेल है, शायद अब मेरा सी जाने का समय आ गया है। खैर, हमें चुनना होगा, गरीब बहन या बढ़िया स्पा में आराम। मर्मेड इतना सोचने के लिए तैयार नहीं थी। चलो उसे स्पा में ढूंढते हैं। मैं यही सोच रही थी। ये सच में बढ़िया है। चलो कम से कम इंसानों के पास कुछ तो बढ़िया है, तुम बताओ। आपका फोन मिसेस। ओह शुक्रिया। आह, हम मुसीबत में हैं। खैर, तुमने अपनी बहन को ढूंढा, जल्दी घर आओ और एमिली को भी लाना। समझ गई जोई? हाँ मॉम, हम सब करेंगे। बाय। इंसान मतलब बुरे लोग। फिर से जेली फिश फ्लू। रेट्रीब्यूशन पर ध्यान नहीं गया। उठो काया, जल्दी करो, जाने का समय हो गया है। इस बार मुसीबत में कौन है? हम है। मॉम का कॉल था, हमें एमिली को तुरंत ढूंढ कर उसे घर ले जाना है। पर हम ये कैसे करेंगे? कोई स्टाइलिस्ट मेकओवर के लिए तैयार है। ओह लाइफ हो तो ऐसी, मैं अपना एक स्पा खोलूंगी या शायद दो। काया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। सही कहा, हमें चलना चाहिए। चलो चलें, ये बहुत मुश्किल है। ओह, हमें और गूगल करना चाहिए। वाओ, ग्लास में पानी है, इनके पास सारी चीजें हैं। हेलो प्लीज, आपका मेन्यू। शुक्रिया, कितनी मोटी बुक है, ये लो पकड़ो। ओह यहाँ कॉम्स भी देते हैं। मैं पहले तुम्हारी जैसी लड़की से नहीं मिला। ओह लियो, ये आप हैं? क्या हम साथ में फोटो ले सकते हैं? मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी। स्माइल, थोड़ी देर बाद तुम भूल जाओगी कि स्माइल किसे कहते हैं। मैं तुम्हें एक मर्मेड को गुस्सा ना दिलाने की सलाह दूंगी। दूर हटो, ये लो जितना चाहिए ले लो और जाओ। ये सही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो ये क्या कह रहा है? ओह ये फैंस भी ना, वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेते हैं। मैं फोक्स को हटा देता हूँ, हम अपने हाथों से खाएंगे। तुम देखना, तुम्हें ये पसंद आएगा, ताज़ा सी फूड सुशी। बॉन एपेटीट। उम्मीद है ये वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। तुम मेरे छोटे भाइयों को डिनर के लिए कैसे ऑर्डर कर सकते हो? तुम एक मॉन्स्टर हो। ये किस लिए? मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता था। ओह नहीं, सारी मेहनत पानी में। तुम्हें पता है पूंछ, स्केल्स, ये नामुमकिन है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सांस लो, छोड़ो, ये सोने का समय नहीं है। काया, जोई, तुम यहाँ कैसे आए? तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी, इसलिए हम यहाँ पर है। पर मुझे पता क्यों नहीं चला? लगता है मर्मेड का घर खुशियों से फिर से भर गया है। ओह शुक्रिया डियर, तुम कमाल की हो। ये बहुत अच्छा है कि मेरी बेबीज मेरे पास वापस आ गई है और साथ में एंटरटेनमेंट भी लाई हो। मेरे प्यार का मतलब तुम हो, क्योंकि तुम ओस की तरह चमकती हो। फिर मिलेंगे शाइन। लगता है इसे बूस्ट की जरूरत है। क्या? ओह सही कहा, चलो भी लियो। सारी फिश सो गई है, पर तुम मेरी ही रहना, मुझे तुमसे है इतना कहना। पर तुम मेरी ही रहना, मुझे तुमसे है इतना कहना। मुझे तुम्हारे दिल की चाबी मिल गई है। ओह हाँ, ये बढ़िया ट्यून है ना गर्ल्स? सही कहा, यहाँ काफी समय से कोई कॉन्सर्ट नहीं हुए। क्या मैं एक फैमिली फोटो ले लूँ? ये बढ़िया होगा। स्माइल,
हाँ ऐसे खुश चेहरे। ओह मेरे बाल कैसे हैं मॉम, ये उठने का टाइम है। मॉमेट्स हे दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं अगर आप अमीर और गीगा अमीर मॉमेट्स की कहानी जानना चाहते हैं। फिर मिलेंगे।